बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हैदर टीवी कनाडा की जानिब से आपका मेज़बान सैयद हैदर अब्बास रिज़वी हाजिर ख़िदमत है अपने प्रोग्राम कहाँ गए वो लोग के साथ। कहाँ गए वो लोग, इसके पिछले एपिसोड में हमने आप हजरात से मुतारिफ करवाया चंद हिंदू शोरा को, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी चंद हिंदू शोरा से आपको मुतारिफ करवाएंगे। हमारे पिछले शोरा थे सत्यपाल अख्तर, अदब सीतापुरी और गुरसरन लाल अदबी। गुरसरन लाल अदबी लखनवी साहब के ये चार मिसरे में दोबारा पेश करते हुए अपनी बात को लेकर आगे बढ़ूँगा कि मकां क्या ला मकां भी आज तक जिससे मौतर है, वो बूए जुल्फ़ वहदत थी मोहम्मद के पसीने में। जिनों इंसो मलाइक का तो आखिर पूछना क्या है, हवाएं भी अदब के साथ चलती हैं मदीने में। नाज़रीन मोहतरम, आइए आज हम जिक्र करें मुंशी प्रभुलाल गौड़ अशहर अजैनी साहब का। मुंशी प्रभुलाल नाम था, आप अशहर तखल्लुस किया करते थे। 1931 में मुंशी प्रभुलाल गौड़ साहब ने अपने माबूद हकीकी को लब्बैक कहा था। नूरुद्दीन कैफी कारकवी साहब, जो अमीर मीनाई के जानशीन माने जाते हैं, उन्हीं से आपने शरफ तलम्मुज़ हासिल किया। आप तकरीबन उर्दू की तमाम इस्ताफ सुखन में तबा आजमाई किया करते थे, और आपका मजमू कलाम भी मंजर आम पर है। मीरठ के एक हफ्तावार मीरठ मेले में आपका कलाम बड़ी पाबंदी के साथ शाया हुआ करता था। आप हजरात के ज़ौक़ समात के लिए मुंशी प्रभुलाल साहब की नात से तीन अशार पेश करने की इजाज़त चाहूँगा कि खुदा ने तुमको वो बख्शा है ऐ खैरुल वरा पाया, रसूलों में किसी ने मर्तबा ऐसा नहीं पाया। न पूछो अहले दिल ने माँ सिवा में तुमको क्या पाया, तुम्ही को इब्तदा पाया तुम्ही को इंतहा पाया, और शबे मेराज हक से लामकामे जब हुई बातें, शबे मेराज हक से लामकामे जब हुई बातें, खुदा जाने खुदा ने क्या दिया बंदे ने क्या पाया। मोहतरम नाज़रीन, मेरा जी चाह रहा है कि ये दो मिसरे मैं पेश करूं। बड़े ही नसीहत आमेज़ मिसरे हैं एक नात के, कि तेरे मुंह में चलती है जब तक जबां, तेरे मुंह में चलती है जब तक जबां, सनाए मोहम्मद तू कर मेरी जान। मुहिबाने मोहम्मद वाले मोहम्मद को ये नसीहत दी है हकीम तरलोक नाथ आजम जलालाबादी ने।
आपका नाम था हकीम तरलोकनाथ और आज़म तखल्लुस किया करते थे। आपका सने पैदाइश 1896 बताया जाता है। 1919 में आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक मकतब खोल लिया, इसलिए कि पेशे के एतबार से आप हकीम थे, मौलिज थे, और आपने अपनी इस हिकमत के पेशे में बड़ी शोहरत पाई। आपका मजमूए कलाम जिसमें नात, मनकबत, सलाम, कलाम आज़म के नाम से मंजर आम पर शाया हुआ, मंजर आम पर हाजिर है, और उसके बाद 1977 करीब आपकी कुल्लियात भी कुल्लियात आज़म के नाम से मंजर आम पर आई। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने शिमला में गुजारा और वहाँ पर शिमला संदेश के नाम से आप एक जरीदा निकाला करते थे। 1936 के बाद आप दिल्ली मुंतकिल हुए और दिल्ली में 1952 तक आपने माहनामा दस्तगीर बड़ी पाबंदी से निकाला करते थे। आप ज़िंदगी के 75 साल आपने अदब की खिदमत की है। आप एक बेहतरीन ड्रामा निगार की हैसियत से भी जाने गए हैं। तरलोकनाथ आज़म जलालाबादी को रूहानियत और तसव्वुफ़ से गहरी दिलचस्पी थी। 13 सितंबर 1899 को ये मायानाज शख्सियत हमसे हमेशा के लिए जुदा हुई। मरहूम की एक नात से चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएँ कि पयाम मोहम्मद खुदा का पयाम, कलाम मोहम्मद खुदा का कलाम, तसल्लुत तेरा हफ्त अफलाक पर, ज़बाने खलायक पे है तेरा नाम, खुदारा पिला फिर वो साहिबाए हक के मस्ती में बेखुद रहें सुबह शाम, मेरे दीन व दुनिया का वाली तुही, तू आका मेरा मैं हूँ तेरा ग़ुलाम। मौज़ूद नाज़रीन, हमारी आज की इस एपिसोड के अगले शायर हैं जिनसे मैं आपको मुतारिफ़ कराना चाहता हूं, जनाब राम प्रताप अकमल जालंधरी साहब। राम प्रताप अकमल जालंधरी साहब जो 1907 में पैदा हुए थे और 20 जनवरी 1941 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उर्दू शायरी में जिन्होंने नज़र सोहानवी और विशेषवर प्रसाद मुनव्वर लखनवी से शर्फ तसम्मुल तलम्मुज़ हासिल किया, ज़िंदगी रेलवे की मुलाजमत में बसर की। आपके दो शेरी मजमूए बुए गुल 1957 और नाले दिल 1962 में मंजर आम पर आए। उर्दू अदब और शायरी से वालेहा लगाव था। अकमल जालंधरी साहब ने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा उर्दू अदब की खिदमत में गुजारा। उनकी एक नात से चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या शान है जनाब रसालत माब की, नज़रें झुकी हुई हैं महो आफ्ताब की, बख्शा कलाम पाक से रंगे हयात नौ, तालीम कह रही है मुकद्दस किताब की, मजहब को जिंदगी के अमल से मिला दिया, ममनून इल्तिफात है उम्मत जनाब की, और अकमल कहीं मकाम अदब हाथ से न जाए, अकमल कहीं मकाम अदब हाथ से न जाए, तौसीफ लिख रहे हैं रिसालत माब की। जनाब अकमल जालंधरी साहब के इन चंद अशार के साथ कहाँ गए वो लोग का आज का ये एपिसोड हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह इसी सिलसिले की अगली कड़ी आइंदा हफ्ते आपकी खजात की खिदमत में पेश की जाएगी। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान सैयद हैदर अब्बास को इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्तमास है दुआ।